Hi, I'm Shivangi Joshi and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from Barsatein. ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुझसे कोई उम्मीद लगाता है, मैं उस उम्मीद पे खरी नहीं उतर पाती। क्या मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जो अपने माँ-बाप को दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकते? दिल्ली से यहाँ आई क्योंकि अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा किया, और अब मालिनी जी, जिनसे आज तक मैं ये नहीं कह पाई कि वो मेरी क्या है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना और मैं उनका अपना खून उनकी उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकी। हेलो आराधना, तेरी आवाज को क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं, तुम्हारी विक्रम से बात हुई। आराधना बेटा, कुछ हुआ है क्या? विक्रम ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उनके लिए अपने स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे समझाओ आराधना कि मैं इस वक्त वो ये बदनामी नहीं सह पाएगी। उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मेरी बच्ची बहुत कमजोर है इस वक्त। नहीं मानी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप प्लीज एक बार, 10 मिनट बाकी है आराधना, तुम्हें किसी भी हाल में वो न्यूज बुलेटिन रोकना ही होगा। प्लीज आराधना, वो न्यूज रोको। मैं ऐसे हार नहीं सकती, पर मैं किमाया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। I'll stop it. कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम पर विश्वास करो, जबकि यही विश्वास तुमने हर मोड़ पर तोड़ा है रेहाज। तुम नहीं समझोगे रेहाज कि एक बार जब किसी लड़की की बदनामी हो जाए, उसके बाद उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। प्रियांच, ये मौका है उसे उस गलती को सुधारने का। सर चले, बुलेटिन का टाइम आ गया है, हम सब रेडी है। चिल्ला क्यों रहा? अरे ब्रो, मैं तुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, लेकिन आज भाई ने ना तुझे माफ कर दिया है, क्योंकि आज तेरा बड़ा दिन है। ये देख। I'm sorry guys, but airport scam वाली न्यूज टेलीकास्ट नहीं होगी। क्यों सर? आराधना ने कुछ कहा आपको? मैं कह रहा हूँ इसलिए, वी नीड टू चेंज द न्यूज। अंकुश, हमारे पास हमेशा प्लान भी रहता है, स्विच टू द अदर न्यूज। सर बट बात क्या हुई है? विक्रम कुछ हुआ है, एंड आई एम टेलिंग यू, ये न्यूज टेलीकास्ट नहीं हो सकती। नॉट लाइक दिस, नॉट नाउ। सर मैंने आपको बोला था, एज सिंपल एज दैट, आप मेरे काम में बीच में नहीं आएंगे, आप आ रहे हैं, नॉट कूल। तुम भूल रहे हो विक्रम, बिजनेस आज भी मेरे नाम पे है, सो जस्ट वॉच आउट। अंकुश, चेंज द न्यूज। यस सर। डूड लिसन, क्या कर रहा है? कोई प्लान भी नहीं, ऑल राइट, कुछ चेंज नहीं होगा। अरे ब्रो, बट वीरेन सर ने, मेरा शो है, मेरी न्यूज है, सैम की न्यूज चलेगी, ऑल राइट। अंकुश, जैसा विक्रम बोल रहा है वैसा करो, प्ले द टेप। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं ना, मुझे कुछ नहीं समझते ये लोग। आज इस नए चैनल की शुरुआत हम करेंगे उत्तराखंड के नए कानून के साथ। लैंडफिल में टूरिज्म की वजह से बाढ़ की जो समस्या आ रही है, उसके लिए सीएम ने चिंता जाहिर की है। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ हो रही इस दुर्घटनाओं की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। क्या किया तूने यार? ब्रो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को जो बोला गया था मैंने वही किया था यार। न्यूज मैंने बदली। आराधना तेरे पास आई थी? हाँ आई थी।
तो और क्या करती? पहले तेरे पास आई थी ना, तूने क्या किया? उसकी बात को टाल दिया। पर के माया का क्या? उससे तेरा ज्यादा गहरा रिश्ता है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम फंसी और अगर तू उससे कन्विंस था तो मेरे पास आता ना, मुझसे पूछता, मुझसे बात करता। मेरे पीठ पीछे गया, मुझे बताया भी नहीं, और तूने डिसीजन ले लिया। हम दोनों इस कंपनी में बराबर के पार्टनर हैं, राइट? और हमारे लिए काम और असूल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए है रियांश, मोहब्बत। वो मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, उस घर में मेरी शादी होने वाली है। इसकी इज्जत ऐसे कैसे नीलाम हो जाने दूंगा मैं? तू बिल्कुल ठीक कहता है रियांश, एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे जरूरी होते हैं उसके उसूल। पर तू ये नहीं समझता कि माया के लिए क्या जरूरी था, क्या गलती थी उसकी। रियांश, एंड यू नो दिस वेरी वेल, अगर उसने प्यार में कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी इज्जत बचाना तेरा फर्ज था। तूने मुझसे झूठ बोला, झूठ। यू लाइड टू मी। और तूने क्या किया? अपनी मोहब्बत को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया कि आज उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़ रही है। आराधना आई थी ना तेरे पास कि माया की अपील लेकर, तूने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। देख, जो भी हुआ ना उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। अगर तुझे उसे सच्चा प्यार है ना रियांश, तो हर सूरत में तुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जी, एक मिनट। नर्स, ब्लड बैंक से ब्लड आया कि नहीं? पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, और वो कार एक्सीडेंट हुआ, लड़के की फैमिली को इन्फॉर्म किया, हम उसे बचा नहीं पाए। उसकी फैमिली को आगे बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। कौन सा एक्सीडेंट? वो डीबी रोड वाला? जी हाँ। आप उनके कुछ लगते हैं क्या? इस डॉक्टर भैया फैमिली बॉडी को मॉर्चरी ले जा रहे हैं, एक बार आप बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए प्लीज। गलत फैमिली भी तो हो सकती है। आई एम श्योर। कि माया, तुम ठीक हो? मान लीजिए बाहर तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है, आई ओके? चॉकलेट्स, स्ट्रेस ईटिंग, आई एम फाइन। थैंक गॉड तुम ठीक हो। चलो तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ कि माया? तुम दीप, मैं जानती हूँ तुम मुझे जज नहीं करोगे, तुम मुझे समझोगे। के माया, नो के माया। दी, मैंने टेस्ट लिया है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है देखने की। कहाँ है टेस्ट? बाथरूम में। दी, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। के माया, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने पेरेंट्स को? नहीं कर पाऊंगी मैं। प्लीज दी, अब मम्मा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। इतनी बड़ी बात मान लीजिए से नहीं छुपा सकती कि मैं, प्लीज। और उनको एमएमएस के बारे में भी तो पता ही है ना, उन्हें आइडिया है कि मैं? उन्हें शक है लेकिन पक्का यकीन नहीं है। दी प्लीज, आपको मेरे सर की कसम है, आप मम्मा को कुछ नहीं बताओगे? ठीक है ठीक है, नहीं कहूंगी मैं मान लीजिए से कुछ। तुम प्लीज रोना बंद करो, तुम शांत हो जाओ प्लीज। किमी, अभी इसी वक्त नीचे आओ। किमा, मैं हूं ना। कब? पापा, आप यहाँ ठीक तो? चेक है सर, मैं ठीक हूँ, लेकिन जय ड्राइव कर रहा था। वो ठीक तो है ना? मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन ये लोग कुछ बता नहीं रहे। डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक्सीडेंट में एक लड़का था। आई एम सॉरी बट ही इज नो मोर। व्हाट? डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, आई श्योर। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस।
सॉरी मॉम, वो मैम किमी तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? वो हॉस्पिटल में पापा जेस ऑल्सो हर्ट, कोई कुछ ठीक से नहीं बता रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। और आना तुम मेरे साथ चलो, और किमी बेटा तुम घर पे ही रहना। हाँ नो मॉम, मुझे साथ में लेके चलो, मैं ठीक हूँ, प्लीज इट्स माय डैड मॉम प्लीज। ठीक है चलो। मैं अपना फोन तुम्हारे बाथरूम में भूल आई हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ कुछ कर मानी जी, वो आप प्लीज अपनी गाड़ी में बैठिए, मैं फटाफट जाके लेकर आती हूँ। जल्दी आ रहा। संजय के बच्चे, तू मुझे यूं धोखा नहीं दे सकता। कांट गो जस्ट लाइक दैट। धोखे बाज। अबे ओ, हॉस्पिटल है, आवाज नीचे। जय कमीने, कैसे सह पाएगी, क्या करेंगे हम? तुमने मुझे अपनी बहन माना है कि माँ, मैं कैसे तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी? कुछ तो करना है। नहीं पर क्या कर, तुम्हारी किस्मत भी वही जो माँ की, तुम भी किसी आराधना को जन्म देके उसे त्याग दोगी? क्या यही इस घर की औरतों के नसीब में लिखा है? नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगी। जय, तू ठीक तो है? I'm fine, Dad. अंकल आप एकदम सही रहिए। कमीने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.